आदेश आदेश, काली माता को आदेश, भैरव बाबा को आदेश, सुकर्णी दुखर्णी माँ बूढ़ भवानी को आदेश। आशा करती हूँ हमसे जुड़े सभी साधक साधिकाएं व भक्तजन सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। ऊर्जा अ सेंटर ऑफ तंत्र मंत्र लघुरी विद्या में आपका हृदय से स्वागत है। और आपसे विनती है, यदि अभी तक आपने ऊर्जा को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। यदि आप सच में तंत्र मंत्र और अघोर की दुनिया के बारे में सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो तक बने रहें। आज जो साधना आपके लिए लेकर आए हैं ये है जिन्न साधना, जो कि सिफली इल्म से की जाएगी से सिद्ध। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जिन कितने शक्तिशाली होते हैं, और ये जिस जिन के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं ये सिफली इल्म द्वारा सिद्ध किया जाएगा। वैसे तो ये साधना 7 दिवसीय है, परंतु इसके अनुभव, थोड़े थोड़े अनुभव आपको 3-4 दिनों में ही होने लगते हैं। ये साधना थोड़ी भयाधिकारी है, आपको इसमें थोड़ा डर लग सकता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास सही सुरक्षा घेरा मंत्र है, सही शरीर कीलन मंत्र है, तो आपको इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, यदि आप पहले भी साधनाएं कर चुके हैं तो भी आपको इसमें भय या डर की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जिन का रूप थोड़ा सा भयाधिकारी होता है, थोड़ा भयानक होता है, परंतु यदि आप पहले साधनाएं कर चुके हैं और आप मजबूत दिल के हैं तो आपको इसे भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो लोग सिफली इल्म को गलत ही समझते हैं, लेकिन कई बार सिफली इल्म को आप भोग के रूप में सिद्ध करते हैं, अर्थात आप जैसा उसको भोग देते हैं, जिस मंशा से आप इस जिन्न से कार्य करवाएंगे ये उसी तरीके से काम करेगा। ये आपके ऊपर आधारित है कि आप उसे क्या कार्य लेते हैं। और इस जिन्न की साधना के लिए आपको पश्चिम मुखी होना पड़ेगा। सरसों के तेल का दीपक इसमें ले सकते हैं। भोग, अब भोग में कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि माँ भोग में क्या दें, मिठाई देनी है तो कौन सी मिठाई देनी है। इसमें भोग की कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी प्रकार की मिठाई इसे भेंट कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप इस जिन की साधना कर रहे हैं उससे पहले अपने उस्ताद या अपने गुरु का गुरु मंत्र को ध्यान करते हुए गुरु का पंचोपचार पूजन करने के पश्चात ही आप इस जिन का मंत्र लें। और गुरु की एक माला, गुरु मंत्र की एक माला करने के पश्चात ही आप इस मंत्र का जाप करें। और इसको भोग में सिगरेट, शराब, अंडे, जैसे मैंने आपको बताया सिफली इल्म में तामसिक साधना है, भयावह है थोड़ी, तो आप इसमें सिगरेट, शराब, अंडे का भोग दे सकते हैं। अब बात आती है कि ये जिन्न आपके क्या क्या कार्य कर सकता है। देखिए, ये जिन्न आपके सामान को यहाँ वहाँ करने का कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे किस कार्य के बारे में बात कर रही हूँ। आपको चमत्कार दिखाना हो, किसी को जादू दिखाना हो, जैसे मिठाइयाँ उठाना, नोट मोड़ देना, सामान का यहाँ वहाँ खिसका देना, तो ये चमत्कार दिखाने के लिए ये जिन बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है। छोटे कार्य ही नहीं, आप इसे वचन लेकर अपने बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। वशीकरण का काम ये चुटकियों में कर देता है। पैसों से संबंधित कार्य भी ये जिन करता है। तो जो भी साधक साधिकाएं या भक्तगण इस साधना को करना चाहते हैं वो हमसे अभी संपर्क करें। और साधना की और जानकारी या नए नए विषयों पर या रहस्यमय साधनाओं की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आदेश आदेश, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।